हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो भी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा पूछा गया है जिस भी ईयर में, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा 2021 में पूछा जाएगा, ठीक है। उस तरह से आपको 2000 उसके पहले 2013 में पूछा गया था, फिर 2005 में पूछा गया था, फिर पूछा गया था 1999 में, ठीक है। तो सॉरी 1999 में। तो ये थर्ड ईयर का जो एनालिसिस है मैं आपसे यहाँ करने वाला हूँ, साथ में कि ये 2021 में इसके बेसिस पे क्या हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना चाहिए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, मेनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या है। आप तो जानते होंगे सिलेबस, फिर भी मैं आपको अच्छे सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, अगर मैं सिलेबस करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन और आपको अच्छे से देखने के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ओके, जैसे कि देखिए, आपको सबसे पहले ओपेम पढ़ना है, ठीक है ना, ओपेम। उसके बाद तो आपको पढ़ना है ओपेम, उसके बाद लीनियर वेव शेपिंग सर्किट, जो कि ओपेम से ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद स्मिथ ट्रिगर है, ठीक है ना, और वेवफॉर्म जनरेटर में ये बहुत सारी आती है ना, मल्टी वाइब्रेटर वेवफॉर्म जो है, वेवफॉर्म जनरेटर आप ओपेम से भी कर सकते हैं, स्मिथ ट्रिगर से, ठीक है ना। उसके बाद बाइस्टेबल मल्टीप्लाइवेटर, मोनोस्टेबल, फिर एस्टेबल, ठीक है ना, फिर ट्रिंगुलर वेव जनरेटर। ओके, उसके बाद आता है आपको ओपेम का ये पूरा सीरीज है। ओके, उसके बाद आपको ये डायोड का सीरीज है। ओके, डायोड सर्किट्स, जिसमें कि आपको बायसिंग के बारे में सीखना है, ओके ना, इसके स्मॉल सिग्नल के बारे में सीखना है। ओके, एंड उसके बाद रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स के बारे में, है ना, उसके बाद प्रिसीजन रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैंपर्स एंड वोल्टेज डेवलपर। ओके, ये डायोड का पूरा सर्किट, डायोड का पूरा चीज है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद आ जाती है बीजेटी। आपको बीजेटी में बहुत कुछ सीखनी है, ठीक है ना, बीजेटी जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। इसमें डीसी बायसिंग और एसी बायसिंग, दैट मींस के स्मॉल एनालिसिस के बारे में जानना है, ठीक है ना, बायसिंग स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना, क्रेडिट मिलर सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर। अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मल्टीवाइब्रेटर बाय यूजिंग बीजेटी, है ना। और उसके बाद अगर मैं और बात करूँ, इसमें और सीखना है मल्टी स्टेज, सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज बीजेटी, ठीक है ना, सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज बीजेटी के, है ना, उसमें भी बहुत सारी चीज आते हैं। उसके बाद देखिए, ओके, अब देखिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ओके, देखिए उसका ही एक पार्ट है ये एम्पलीफायर, जो कि बीजेटी से रिलेटेड है। बीजेटी से हम लोग कैसे एम्पलीफाई करते हैं, उसमें जो है लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, यानी कि स्मॉल सिग्नल, है ना, मेनली इसी में स्मॉल सिग्नल आता है, ठीक है ना। और उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी। ओके, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, इसमें भी मल्टी स्टेज एंड सिंगल स्टेज होता है, ठीक है ना, सिंगल स्टेज। फीडबैक एम्पलीफायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ फेट में मेनली जो है MOSFET हम लोग को कवर करना है, MOSFET, क्योंकि JFET को है ना गेट से रिमूव कर दिया, लेकिन ESE में और भी कोई एग्जाम में JFET पे सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आपको ये भी पढ़ लेने चाहिए। ओके, ऑसिलेटर्स भी है, साइनोसॉइडल मेनली। ओके, अब ये पावर एम्पलीफायर भी पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद 5555 टाइमर भी पढ़ना है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मल्टीवाइब्रेटर्स होते हैं। चलिए, तो और अगर मैं आपको कहूँ तो ये पूरा सिलेबस है ना, ये पूरा बीजेटी का सिलेबस है, बीजेटी एंड मॉसफेट का सिलेबस है, है ना, बीजेटी एंड मॉसफेट, एंड अगर मैं बात करूँ तो फीडबैक एम्पलीफायर भी इसी में। ओके, और ये बात करूँ तो ये पावर एम्पलीफायर हो गया, ये 555 टाइमर हो गया, 555 टाइमर हो गया, ठीक है। अगर मैं बुक का बात करूँ तो बुक के लिए आप जो है ये फॉलो कर सकते हैं, मिलीवन हल्केक्स की बुक, ठीक है ना। उसके बाद डिजिटल पल्स एंड स्विचिंग सर्किट, मिलीवन। ओके, एंड एक और बुक होती है सेड्रा एंड स्मिथ।
ओके क्या सेड्रा एंड स्मिथ, ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ओके इसमें है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, ये सब बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ओके तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि ये जो ईयर है दैट मीन्स जो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इसमें किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए ए वन नंबर सवाल में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इसमें किस टाइप का सवाल पूछा रहा है आपको मैं लाइव दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस टाइप का सवाल ये सब पूछा गया है। देखिए ये बीजेटी सॉरी ये है बीजेटी प्लस एम्पलीफाई ओपेम है ना। दैट मीन्स कि आपको सबसे पहले मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो आपको सबसे पहले ओपेम पे ध्यान देना चाहिए है ना, ओ पी एम ओपेम, एंड अगर मैं दूसरा बात करूँ तो बीजेटी है ना, बीजेटी। अब देखो बीजेटी में भी क्या इसके डीसी बायसिंग और इसके जो है जो फीडबैक नेगेटिव फीडबैक है उसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ओके। इसमें भी बहुत सारी आती है ओके, तो ये फीडबैक या नेगेटिव है और इसमें डीसी बायसिंग, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए डार्लिंगटन इमिटर फॉलोअर सर्किट, दैट मींस कि ये जो हो गया मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो गया है ना, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर दैट मींस कि मल्टी स्टेज बीजेटी जो बनता है वो आ गया ओके, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर ओके। अब देखो इसमें मेनली जो है डार्लिंगटन पेयर के बारे में आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, डार्लिंगटन पेयर के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ जेफेट, ठीक है ना, जेफेट आ गया, ये जो है पुराने ईयर का है जिसमें जेफेट था इसलिए जेफेट पूछा गया। आप पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो ठीक है, मेनली फॉर अगर गेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं ओके। चलिए अगर मैं आगे ध्यान दूँ पी एन पी ट्रांजिस्टर के बारे में जिसमें कि सी इक्वल टू इतना यूनिटी गेन फीडबैक और फिट एफ टी दिया हुआ है इतना ठीक है अप्रोक्सीमेटली सी पी, ये जो है हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी है ना। इसमें देखिए डी सी बायसिंग एंड हाई फ्रिक्वेंसी आ गया है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ ताकि मैं इसके बारे में लिख सकूँ कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा ओके। वन मिनट, अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें जो है नेगेटिव फीडबैक पूछा गया था ना, इसमें आप ऐसे नेगेटिव फीडबैक दे दो। और अगर मैं दूसरा बात करूँ तो बीजेटी था, ठीक है ना, बीजेटी में जो पूछा गया था वो है डीसी बायसिंग, और जो पूछा गया है वो पूछा गया है मल्टी स्टेज है ना एम्पलीफायर, और जो पूछा गया है और जो लास्ट सवाल में था वो था हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ओके। तो चलो अब मैं आगे चलता हूँ ओके। एम्पलीफायर हैज ओपन लूप बिगेन ऑफ 100 एंड इनपुट इम्पीडेंस ऑफ 1 किलो में एंड आउटपुट इम्पीडेंस ओके। देखो ये भी जो है ये फीडबैक एम्पलीफायर पे है, किस पे है अगर मैं बात करूँ तो ये फीडबैक एम्पलीफायर पे है ना, ये है तीसरा नंबर में बात करूं फीडबैक एम्पलीफायर ओके, फीडबैक एम्पलीफायर पे है। तो आप इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लो अच्छा रहेगा ओके। अगर मैं चार में अगर मैं कुछ देखो और आगे है डीसी पावर ऑफ नो लोड फुल लोड, दैट मींस कि ये आ गया आपको रेक्टिफायर का ओके, आप ध्यान रखना देखिए, और उसके बाद आ गया ये आ गया रेक्टिफायर का ओके, रेक्टिफायर ओके। उसके बाद में है उसमें भी फुल लोड नो लोड के बारे में, ठीक है ना, रेगुलेशन के बारे में अब देख लो कहाँ से आती है ओके। एंड एम्पलीफायर अज्यूम टू हैव सिंगल पोल हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफर फंक्शन ओके, अपर थिन डैम्पन ये भी आ गया आपको
ये आ गया आपको एम्पलीफायर, ये आ गया एम्पलीफायर में हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में, ठीक है। अब देखो आगे है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिशन, ये आपको बीजेटी का आ गया। बीजेटी में अगर बात करो तो स्मॉल एनालिसिस, बीजेटी में आपको आ गया स्मॉल एनालिसिस, ठीक है एनालिसिस, ओके स्मॉल एनालिसिस ऑफ बीजेटी के बारे में। उसके बाद ये जेफेट के बारे में है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है जेफेट के बारे में, जो कि पहले था सिलेबस में अब नहीं है, ओके। इसमें भी जेफेट के बारे में स्मॉल एनालिसिस बात कर सकते हो, और इसमें मॉसफेट में भी बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मॉसफेट पे, तो इसका भी स्मॉल एनालिसिस आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है स्मॉल एनालिसिस मॉसफेट एंड जेफेट के बारे में। आगे है ये देखो ऑपएम और डायोड से रिलेटेड है ना, ऑपएम और डायोड से रिलेटेड, तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वेवफॉर्म एक्चुअली वेवफॉर्म जनरेटर होता है, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें कह सकता हूँ आपको किस क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए इसमें, ओपन एम डायोड के बारे में अच्छे से एप्लीकेशन सीखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद है ये आ गया बीजेटी जो कि स्मॉल एनालिसिस है, ठीक है ना स्मॉल एनालिसिस, ओके। अब देखो अब जो आगे का सवाल है, आगे का जो सवाल है ये जेनर डायोड के बारे में, ये किसमें बारे में जेनर डायोड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। अगर मैं बात करूँ तो ये है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो क्या क्या है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ तो इसमें आ गया आपको स्मॉल एनालिसिस, आपको ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्मॉल एनालिसिस, हाई फ्रिक्वेंसी की बात मैंने कर ही दिया। और ओपन में बात करूँ तो इसमें वेबफॉर्म जनरेटर, दैट मीन्स की अगर एसमिस ट्रिगर की बात करो तो वो आ जाती है ना, और इसमें एप्लीकेशन विथ डायोड, ओपन विथ इसमें डायोड के बारे में, और विथ क्या है विथ बीजेटी के बारे में भी आपको फर्स्ट ही सवाल बीजेटी के बारे में मिल जाता है, ठीक है। ओपन विथ डायोड और ओपन विथ बीजेटी भी आपको बहुत सारे सवाल को डील करना चाहिए ताकि आपका डर जो है मन से खत्म हो जाए, ठीक है। आगे जो है अगर मैं बात करूँ तो जेनर डायोड है ना, जेनर डायोड के बाद ये तो फीडबैक एम्पलीफायर का है ना, फीडबैक एम्पलीफायर, उसमें भी मेनली जो है रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस बारे में पूछा जाता है, ठीक है फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं, ये है आपको सवाल मॉस का, इट मीन्स की मॉस एनालिसिस का है, जिसमें कि मॉसफेट में स्मॉल एनालिसिस पूछा गया है ना, मॉसफेट में स्मॉल एनालिसिस, स्मॉल एनालिसिस पूछा गया। आगे देखो क्या है, आगे है इसमें भी स्मॉल एनालिसिस पूछा गया है मॉसफेट का, ठीक है मॉसफेट का, मॉस का स्मॉल एनालिसिस, ओके। आगे देखो इसमें देखो यानी कि इसमें जो है आपको ओपेम डबल ओपेम यूज कर दिया है, आपको ऐसे भी सवाल बनाना चाहिए, ये भी आसानी होता है ओपेम, इसमें भी मल्टी स्टेज आपने इसमें ओपेम यूज कर दिया है, मल्टी स्टेज ओपेम यूज कर दिया है, आपको इस टाइप के सवाल भी डील करना चाहिए, ठीक है। आगे है बीजेटी विद डायोड है ना, बीजेटी विद डायोड, इस टाइप के तो बहुत सारे सवाल मिलते हैं बीजेटी विद डायोड के, ओके। तो देखिए ओके ये मेनली आ गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ओके सॉरी ये मेनली आ गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, कोई बात नहीं, आपको बीजेटी विद डायोड में भी बहुत सारे एनालॉग के भी सवाल होते हैं, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें है आपको डायोड, मेनली डायोड के एप्लीकेशन के बारे में जानना है, ओके डायोड खास करके स्मॉल एनालिसिस में जानना है ना, स्मॉल एनालिसिस। उसके बाद है, उसके बाद मैं अगर बात करूं तो उसके बाद है इसमें देखिए ये डीसी बायसिंग का है ना, डीसी बायसिंग ऑफ बीजेटी, डीसी बायसिंग ऑफ बीजेटी, ओके। अगर मैं आगे बात करूं तो ये है देखिए ये फीडबैक एम्पलीफायर का, ये है फीडबैक एम्पलीफायर का है ना। अगर मैं आगे बात करूं तो ये है ओपेम का,
ओपेम में जो है निगेटिव फीडबैक होती है वो जो जनरल नॉर्मल ओपेम होती है, ठीक है। और ये आ गया ओपेम, ओके। आगे देखो ये है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, ओके। और उसके बाद ये आ गया आपको, ये ओपेम का ही है ना, ओपेम का ही आ गया जो कि बायसिंग से रिलेटेड है। ये आ गया डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, बहुत दिन बाद जो है ये आ गया डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का जो सवाल है वो है, ठीक है। अगर मैं इसका बात करूँ तो ये मॉस का सवाल है, मॉसफेट का सवाल है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसमें जो है, ठीक है, आपके मॉसफेट में ये सब सारे जो रीजन होते हैं, एक्टिव रीजन, सेचुरेशन रीजन, लीनियर रीजन, इस सब के बारे में अच्छे से डील करना आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये जो है आपको जो स्मॉल एनालिसिस होती है खास करके मॉसफेट का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके जो मल्टी स्टेज होते हैं, इट मीन्स के बहुत सारे मॉसफेट लगा करके जो हम लोग डील करते हैं, उसको भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सवाल हो गया मॉसफेट का स्मॉल एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद ये ओपेम विद डायोड आपको बोला है, ओपेम विद डायोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये स्मिथ ट्रिगर का सवाल है। किसका सवाल है? स्मिथ ट्रिगर का, स्मिथ ट्रिगर का सवाल है ये, ओके। तो आप किस चीज पे ध्यान दे सकते हो, आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो। देखो ये जो है आपको मॉसफेट का सवाल है जो कि स्मॉल एनालिसिस से रिलेटेड है, मॉसफेट का है जो कि स्मॉल एनालिसिस से रिलेटेड है, स्मॉल एनालिसिस, ठीक है ना, स्मॉल एनालिसिस मॉसफेट का है। अब देखो आगे है फर्स्ट डोमिनेंट पोल, ठीक है, ये आपको ओपेम के बारे में ही है, ओपेम से रिलेटेड ही है। फिर ये आके आपको फीडबैक एम्पलीफायर से है ना, फीडबैक एम्पलीफायर से। उसके बाद आ गया ये आपको आ गया कैस्केड एम्पलीफायर सोनिन, ठीक है, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर। ये आ गया आपको स्मॉल एनालिसिस ऑफ बीजेटी है ना, बीजेटी स्मॉल एनालिसिस, ठीक है। अब देखो ये आ गया आपको पावर एम्पलीफायर से, पावर एम्पलीफायर आपको देखो। तो मैं यहाँ मेनली जो आपको बताना चाहता हूँ किस किस पे आपको ध्यान देनी चाहिए मेनली में, ठीक है ना। आप यहाँ से देख ही सकते हो किस किस पे आपको ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि देखो, जैसे कि मैं यहाँ दिखना चाहता हूँ ओपेम में आपको निगेटिव फीडबैक है ना। अब मैं आपको यहाँ जोड़ देता हूँ ओपेम विथ बीजेटी, ओपेम विथ डायोड हो गया, ठीक है ना। आपको स्मिथ ट्रिगर पे भी ध्यान देना चाहिए, स्मिथ ट्रिगर का भी सारे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। और बीजेटी में जो है डीसी बायसिंग, मल्टी स्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एनालिसिस है ना। उसके बाद बीजेटी विथ डायोड, बीजेटी विथ डायोड के एप्लीकेशन के बारे में भी जानना चाहिए आपको, ओके। और फीडबैक एम्पलीफायर तो आपको पढ़ना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और एक इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आ गया मॉसफेट, आ गया मॉसफेट, जो कि मॉसफेट में जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दे रहा हूँ, स्मॉल एनालिसिस है ना। डीसी बायसिंग भी आप पढ़ लेना, क्योंकि डीसी बायसिंग के बिना स्मॉल एनालिसिस नहीं सीख सकते, ठीक है, स्मॉल एनालिसिस। उसके बाद मॉसफेट विथ मॉसफेट आ गया है ना, उसमें बहुत सारे जो पैरामीटर होते हैं स्मॉल एनालिसिस में निकालने के लिए, वो तो आपको आना ही चाहिए है ना, स्मॉल एनालिसिस, ओके। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें जो आ गया मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज मॉसफेट, ठीक है ना, जो कि बहुत सारे मॉसफेट से मिलकर जो सर्किट बनते हैं उसको, इसके बारे में डील करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि इतना आपको जो है, वैसे आपको पढ़ना तो सब पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें आपको अगर मैं बात करूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए स्मॉल एनालिसिस इसमें जो लिखा गया है, इसमें जो लिखा गया है देखो, स्मॉल एनालिसिस, ओके, स्मॉल एनालिसिस सर्किट ऑफ डायोड्स, ये इंपॉर्टेंट है ना। बीजेटी एंड मॉसफेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल डायोड सर्किट, सिंपल डायोड सर्किट, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। क्लिपिंग, क्लिपिंग को आप, ठीक है, क्लैंपिंग, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर्स आप देख लेना, ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। बट आप ऐसा नहीं कि छोड़ देना पढ़ना, बट इस सब पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। सिंगल स्टेज बीजेटी एंड मॉसफेट, ओके, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पलीफायर्स, ओके। बायसिंग, इसके बारे में, बायस स्टेबिलिटी, मिड फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, तो बिल्कुल ही पढ़ना,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसका बीजेटी एंड मॉसफेट एम्पलीफायर्स है ना, मल्टी स्टेज के, डिफरेंशियल फीडबैक के बारे में एक सवाल था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑपरेशनल, ठीक है, पावर एंड ऑपरेशनल, ये देखो पावर इलेक्ट्रॉन पावर सॉरी पावर एम्पलीफायर की बात करो तो इसमें से एक सवाल था, सिंपल ओप एम्प सर्किट के बारे में भी आप अच्छे से डील करना, एक्टिव फिल्टर्स, ओके एक्टिव फिल्टर का डील कर सकते हो, ठीक है। साइनसोइडल ऑसिलेटर से भी एक सवाल था, आप इसको भी छोड़ना मत, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इसको आप ठीक है और निगलेक्ट कर सकते हो, वेव शेपिंग सर्किट इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद पावर सप्लायर्स रिपेयर रिमूवल रेगुलेशन, रेगुलेशन भी इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इतना सब चीज़ है, वोल्टेज डिफरेंस सर्किट, ओके। तो देखो गेट में ये तो जरूरी नहीं कब क्या पूछ देगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान, आपके पास मान लीजिए समय नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छे से आप हल दैट मीन्स की पढ़ सकते हैं, ओके। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर मैं आपको ये जो PDF है 15 पेज की, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। और ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं अपलोड करूँगा वीडियो, और एक मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहता हूँ बहुत सारे चीज़ों का, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर ऑल्सो, थैंक यू सो मच।